लॉकडाउन के बाइस जहां जिंदगी के दूसरे शोबे मुतासर हुए हैं, उसी के साथ मजदूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। मजदूर तबके ने सास प्रोग्राम के तहत मैसेज भी किए हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमदाद नहीं दी गई। इनके घरों में इस वक्त फाके चल रहे हैं और यहाँ पे मार्केट में आते हैं, बाज़ार में आते हैं, यहाँ पे उनको मजदूरी नहीं मिलती और ये रोज़ ही परेशानी के हाल में वापस चले जाते हैं। आज यौम मज़दूर है, इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है। उन्हें शाम तक बैठे रहने, कोई मजदूरी नहीं होती, निके निके बच्चे सारे पल्लेदार इतने लभदी कोई नहीं, कोई दुकाना से कोई पक्के बंदे तो माड़ा मोटा काम करते हैं, जो उत्तू आने बंद किसी को रोज़ ही नहीं लाभ रही है। सारा दिन इतने बह बह तो चले जाते हैं, अगर कोरोना वायरस दुकाना बंद से कारोबार सारा ठप्पे होया, तो सारा दिन कोई राशन मिलता तो वो अपने चंगे चंगे बंद आप देंगे, जेडे वे लोग एम पी हो गए जेडे हो गए वो किसी को देंगे नहीं, सिफारसा तो माल मिलता सारे, सानू तो गरीबन कोई पुछता ही कोई नहीं, तो सारा दिन बह बह तो चले जाने अल्लाह अल्लाह खैर सला। बच्चे का बड़ा औखा गुजारा हो रहा है, किसी को मंग पैंकते जो कोई उतारे ना अपन उपते बच्चे का सारे लाए उदा कोई मदद नहीं मिलती, और बारह बारह हज़ार मैसेज किए न किसी ने मिलन किसी ने मिले ही कोई, बल्कि सानू तो मिले ही कोई नहीं किसी ने। फिलहाल वेले सुबह घर आ जाए, जिन्हें घरों आ जाइए तो शाम वेले घर चले जाइए, तकरीबन दो ढाई महीना डेढ़ पंद्रह भी दिन पक्के हो गए, जाने के कभी दिहाड़ी लग जाती है कभी नहीं, सुबह तो लाकर शाम के बह बह के चल जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई मदद मिली है? नहीं जी, कोई नहीं मिली है। और ऐसे कहते हैं यानी कि इक्यासी इकहत्तर से मैसेज करो, जो उन मैसेज करते हैं वो कहते हैं जांच पड़ताल की जा रही है, आपको जल्द पता चल जाए। अभी तक कोई इमदाद कोई नहीं मिला, ना कोई यानी कि राशन, ना किसी सपोर्ट, किसी को किसी किसी में कोई सपोर्ट नहीं मिली है। वही सुबह आने सुबह तो रहकर शाम की तो बह रहा कि चल जाने, कोई मजदूरी नहीं, कोई जांच पड़ताल करो, अभी तक कोई मसला नहीं। परेशानी तो नहीं मिल रही, कणक का काम वो अभी चला नहीं है, और कोई भी ऐसा काम है जो इधर काम करने वास्ते काम मजदूरी है कोई नहीं, पंद्रह बीस दिन हो गए। अब गवर्नमेंट ने कहा मैसेज मुसेज करो तो बारह बारह हज़ार रुपये इमदाद मिलेगी, किसी ने इमदाद कोई नहीं की है कि मैसेज कह दिया, कहते जी जांच पड़ताल तो बाद अपने मैसेज पेश किया जाऊंगा, कोई मैसेज नहीं आ रहा जी अभी तक। सुबह से शाम तक आने बच्चे या छोटे छोटे घरों से मजदूरी वास्ते आए, इधर मजदूरी नहीं मिलती है, इतने आग मजदूरी तू बगैर ही चली जाए शाम में, जिस तरह आई उस तरह चली जाए, कोई बात नहीं, घर जिन्ना आई उस तरह चली जाए, कोई शायद नहीं लभदी गई, जिदा आई उस तरह खाली चली जाए। हुकूमत ने कोई नहीं सानू इमदाद दी, बई बारह हज़ार क्या एक दवाई नहीं सानू मिली। डेढ़ महीना हो गया सानू पहले लॉकडाउन की वजह से भुखे बन रहे हैं जी, साडा ना कोई बाली ना कोई वायरस ना कोई साडा हिसाब लाने वाला, जे असी बाहर जाने ट्रैफिक वाले सानू तंग करते, अगे पिछे जाने साडी तां लंब गड्डी खड़ी दुनिया, साडा कोई साथ कीता जावे गरीब बंदियां दा, साडी असी पता नहीं किद्दां बोरी ढोने, सारी दिहाड़ी बोरा ढोने आ, ढो के अपनी मजदूरी करके बाहर जाने, सानू पांच सौ सात सौ भरना पै जाए, असी तां गरीब बंदे मर गए, साडी तां दुनिया हुकूमत ने साडी हिफाजत की करनी है, सानू साडी लंब गड्डी खड़े आ, ट्रैफिक जाम आ, बंदा मजदूर बंदा कम ते आउंदा पांच छे सौ रुपया कमाउंदा, घर का खर्चा मत चलता, और दूसरे तीसरे मसायल कि पूरे करूंगा कम, तो जो भी बंद हो गया दूसरे तीसरे आ गोदामा का हूँ कम चलिया अलहमदुल्ला कर दो। दो महीने हो गए ने घर बैठे हैं, किसी ने भी साढ़े बारे नहीं सोचा, हुक्मरान कोई किसी मर्द आदमी नहीं आया, देवे जी ऐ शायद देवे ये करा वो करा, हले ती एक रुपया साढ़े तीन नहीं पहुंचा, अज तू दो महीने पहले अस बहुत ज्यादा खजल खराब हुए हैं, मजदूरी करते करते हैं, कोई मजदूरी का पले नहीं पै रही, कोई शायद मजदूरी सारी कोई पैसा ही नहीं पले आ रहे, सारे उतले ही खाई जाते बंदे, साढ़े तक तो उ तीन रुपये मिलते हैं, चार रुपये तीन रुपये शाम में जाते हैं, चार सौ रुपया लैके जाते हैं, दो सौ रुपये के जी चीनी पत्ती भी नहीं आती है कि सब्जी कितों लीए, तो न्याण वास्ते कि शायद लैके जाइए घर, तो मेहरबानी करो कोई मजदूरी बधाओ, मजदूर का ख्याल करो, मजदूर साढ़े करके आते सारी असं दिहाड़ी करते हैं, तो साढ़े पल्ले चार सौ रुपया पैंता, अस सब्जी लीए या चीनी पत्ती लीए या अपने बच्चों वास्ते कपड़ा जुत्ती लीए, ईद उत्ते सिर ते आईए, सारा असीं मजदूरी कर रहे हैं पल्लेदारी, होर केड़ा काम साडा है ही कोई जिहड़ा असीं करीए, बस जो काम कीते जाने अगे महीना दो वेले बैठे रहे हैं, हुण गवर्नमेंट दे गल्ले खुल्ले असीं जनाब आ गए, मजदूरी दो तीन सौ मजदूरी सानूं मिलदी चले जाने शामी का, सही है बच्चे जिहड़े हैगे उहनां दे दो चार सौ रुपया ठीक है इनकम नहीं कुछ, हाँ
कम से कम 1500-2000 मजदूरी होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, इन्हें थोड़ी मजदूरी 200-300-400 ये एक बंदे का मसला राशन होता है। अस्सलामुअलैकुम सर जी, आ कहिंदे सी 12-12 हज़ार रुपया मिलना है साढ़े 6 मरबिया के पिंड आ, उन्होंने तकरीबन 10 घर पैसे मसीह जो मिले होने हुकूमत के करिंदे आते आ के ना पता लिखते आ जी इमरान खान की तरफ थानू राशन मिलेगा, सभी नहीं मिलता। सर पुछ लो इन्ना पैसा होया, टीवी दे खबरां देखते हैं, सब कुछ देखते हैं जी, इन्नी हमदाद होगी पाकिस्तान की, किधर जाता वह पैसा साढ़े नाल। मेरी इमरान खान साहब नू अपील की जाती है एक दिन आके साढ़े ने इत्थे मजदूरी करके देखण, इन्हां नू पता चले कि मजदूरी शह की आ। ये बैठे आ असी पीर महल 665-6 दे रहण वाले आ, 6 मरबिया साडा पिंड आ, ना सानू कोई राशन मिलिया, ना सानू कोई 12,000 मिलिया। जदों मैसेज करदे आ उदों कह दिंदे आ जी असी मालूमात करिए, या कह दें तुहाडा शनाख्ती कार्ड का नंबर नहीं सही, साढ़े तो परचा होना हो फिर शनाख्ती कार्ड का नंबर सही होंदा, साडा जो ना करना हो पैसे देने होण उदों खराब होंदा है। ये साडी अपील की जाती है इमरान खान साहब, तुहाडी मेहरबानी, साडे को गलती होगी तुहानू वोट दे के साडा कोई करो। कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर लॉकडाउन किया गया था, लेकिन सबसे जो ज्यादा मुतासर हुआ है तबका वो है मजदूर और दिहाड़ीदार। यहाँ से जो दिहाड़ीदार और मजदूर है इनको यहाँ पे मजदूरी नहीं मिल रही, दुकानें बंद हैं, और जो दुकानों पे काम करते थे उनको नौकरियों से फारग कर दिया गया है, जिसकी वजह से मजदूर तबके के घरों में इस वक्त फाके चल रहे हैं। और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इमदाद दी जाए, राशन दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मियां असद, दुनिया न्यूज़, पीर महल।